हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम डेट, उसके साथ साथ एनटीपीसीटी रिजल्ट और एनटीपीसीटी आंसर की कब तक आ सकती है इस बात की चर्चा होगी। इसमें है क्या ना, मैं आपको बता दूं, रेलवे ने पिछले दिन आपका एनटीपीसीटी का जो सेवेंथ फेज है उसकी नोटिफिकेशन डाल दी है। इस नोटिफिकेशन से साफ साफ मेंशन किया गया है कि सेवेंथ फेज 23 जुलाई से स्टार्ट होगा और 23 जुलाई से स्टार्ट होने के साथ साथ 31 जुलाई को खत्म होगा। यह भी मेंशन किया गया है, यह एनटीपीसी का लास्ट फेज है। लास्ट फेज मतलब इसके बाद एनटीपीसी का एग्जाम क्लियर होगा। मैं आपको बता दूं, ये सेवेंथ फेज हो या इसके अलावा, आप याद करिए एनटीपीसी का जब सीबीटी 1 स्टार्ट होना था, इन दोनों के लिए हमें अच्छा खासा महाआंदोलन करना पड़ा। अभी पिछले दिनों जो है आंदोलन की वजह से ही ये सेवेंथ फेज की नोटिफिकेशन रेलवे ने डाला। हर चीज के लिए देखिए यहां पर आंदोलन की ओर पड़ रही है। तो क्या सवाल ये उठता है कि आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम डेट को लेटर भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा, एनटीपीसी का रिजल्ट एनटीपीसी की आंसर की इसको लेटर भी आंदोलन करना पड़ेगा? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर रेलवे ईमानदारी के साथ काम करता है तो इन तीन की डेट क्या हो सकती है? आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम डेट क्या हो सकती है, रिजल्ट की आने की डेट क्या हो सकती है, और उसके साथ साथ एनटीपीसीटी आंसर की कब तक आ सकती है? ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन तीनों की डेट अप्रॉक्स क्या हो सकती है, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कीजिए और उसको बेहतर अंजाम तक पहुंचाइए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सेवेंथ फेज है, ये सेवेंथ फेज 31 जुलाई तक कंप्लीट होगा। अगर मैं 31 जुलाई को मान लूं, 31 जुलाई को ये सेवेंथ फेज कंप्लीट हो जाएगा, तो अप्रॉक्स 1 महीने मान के चलिए, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने मान के चलिए आंसर की आने में। तो जो एनटीपीसी का रिजल्ट, आपका रिजल्ट से पहले आपका आंसर की आएगी। एनटीपीसी का अगर आंसर की बात करें तो एनटीपीसी की जो आंसर की आएगी वो देख लीजिएगा लास्ट अगस्त तक एनटीपीसी की आंसर की आने की फुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 31 जुलाई से लेकर सिर्फ 1 महीने ही इनको लगना चाहिए। लास्ट अगस्त तक आंसर की आने की पॉसिबिलिटी है। अगर लास्ट अगस्त तक आंसर की आती है तो उसके बाद आप लोग के जो क्वेश्चन गलत होते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्शन करना होता है, वो सारा प्रोसीजर भी अगर काउंट कर लिया जाए तो अप्रॉक्स जो है 2 महीने और लगना चाहिए रिजल्ट आने में। तो आप ये मान के चल सकते हो कि एनटीपीसी का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के आसपास आ जाएगा। मतलब अगर बात यहां रिजल्ट की करते हैं तो रिजल्ट एनटीपीसी का अक्टूबर के आसपास आ जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आरआरसी ग्रुप डी के लिए क्या एग्जाम डेट होनी चाहिए। तो याद कीजिए, पिछली बार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी ये बात कही थी कि जैसे ही एनटीपीसी का सीबीटी 1 कंप्लीट होगा, उसके तुरंत बाद आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम होंगे। रेलवे के पास खुद के इतने ज्यादा सेंटर हैं कि उसको एग्जाम कराने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो अगर आप ऐसा मान के चलते हो कि 31 जुलाई तक एनटीपीसी का पेपर हो जाए, तो आप यह मान के चलिए कि 31 जुलाई के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 महीने और ले लीजिए। मतलब यह है कि अगर जुलाई से अगस्त में जाए तो लास्ट अगस्त तक, या आप कह सकते हो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर का जो फर्स्ट वीक होगा, देख लीजिएगा आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम डेट उसी समय स्टार्ट होगा। तो आपके पास जो टाइम बचा वो पूरा जुलाई का महीना हुआ, उसके साथ साथ आप अगस्त महीना और मान लीजिए, और सितंबर का जो फर्स्ट वीक होगा उसी में आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम डेट स्टार्ट हो जाएगा या एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो टाइम बचा वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय बचा। इस 2 महीने में ही आपको आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी करनी है। ये सारी डेट तभी पॉसिबल है जब आपका रेलवे ईमानदारी के साथ काम करता है। हो सकता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक एग्जाम ना स्टार्ट हो, इससे लेट जा सकता है। अगर लेट जाता है तो इसका मतलब ये है कि रेलवे फिर से वही काम करना चाहता है जो उसने पिछले 2 सालों में किया है, मतलब एग्जाम को डिले करना चाहता है, और उसकी वजह से हमें फिर से एक बार आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा इस एग्जाम को लेकर। तो आप लोग ये डेट को, इस डेट को कह सकते हो अपने दिमाग में उतार लीजिए, खास तौर से एग्जाम डेट, क्योंकि रिजल्ट और आंसर की लेट आ सकता है। उसके लिए आपको कह सकते हो कि थोड़ा बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, लेकिन ये एग्जाम डेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं आपके पास। आप लोग अपनी जो तैयारी है वो 2 महीने के अनुसार करिए। आपको ये नहीं सोचना है कि आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा वो 3-4 महीने चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेलवे के खुद के इतने ज्यादा सेंटर है कि आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा वो अप्रॉक्स जो है 1.5 से 2 महीने में ही खत्म हो जाएगा। लेडीज की स्टार्टिंग डेट जो रहेगी वो आपकी सितंबर के फर्स्ट वीक में ही रहेगी। जैसे ही आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम खत्म होता है तो ये मान के चलिए एनटीपीसी का जो रिजल्ट है, रिजल्ट अक्टूबर तक आ जाएगा।
अक्टूबर के रिजल्ट आने के बाद जो सीबीटी 2 होगा वो सीबीटी 2 दिसंबर या जनवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी चाहे एनटीपीसी के सीबीटी 2 की हो या फिर ग्रुप डी की हो इसी डेट को माइंड में रखते हुए कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।